वेलकम है दोस्तों आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एक मनी बैग पॉलिसी के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है ग्राम सुमंगल। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान। यह पॉलिसी एक रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। यह पॉलिसी RPLI की बाकी पॉलिसीज से अलग खास तरह की पॉलिसी है, क्योंकि इसमें आपको पॉलिसी पीरियड के बीच में ही समय समय पर पैसे भी मिलते हैं, जिसे सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं, और फिर पॉलिसी मैच्योर हो जाने के बाद एक मुश्त पैसे बोनस के साथ मिलते हैं। साथ ही यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाए तो नॉमिनी या उसके लीगल उत्तराधिकारी को बोनस के साथ पूरा सम एश्योर्ड मिलता है। तो चलिए इस पॉलिसी को अच्छी तरह से समझते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की बात करें तो, क्योंकि यह पॉलिसी RPLI के अंतर्गत आती है, तो इसलिए केवल गांव के निवासी ही इस पॉलिसी को ले सकते हैं। यदि आप रहते शहर में हैं पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी स्थानीय प्रमाण पत्र गांव का है, तो भी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए उम्र कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस पॉलिसी में आप 10,000 से लेकर मैक्सिमम 1,000,000 तक का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। इस पॉलिसी के लिए आपको मेडिकल टेस्ट की जरूरत भी पड़ेगी, पर यदि आपका सम एश्योर्ड 25,000 या उससे कम है तो मेडिकल टेस्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैच्योरिटी या पॉलिसी टर्म की बात करें तो यह पॉलिसी दो पॉलिसी टर्म में अवेलेबल है। एक तो 15 साल का पॉलिसी टर्म जो कि 15 साल में मैच्योर होगी, और दूसरा 20 साल का पॉलिसी टर्म जो कि 20 साल में मैच्योर होगी। यदि आप 15 साल का पॉलिसी टर्म चुनते हैं तो पॉलिसी के 6 साल पूरे होने पर आपके लिए गए सम एश्योर्ड का 20% पैसा आपको मिल जाएगा। फिर 9 साल पूरे होने पर भी 20% पैसा मिल जाएगा, और इसी तरह 12 साल पूरे होने पर भी सम एश्योर्ड का 20% अमाउंट आपको मिल जाएगा। मैच्योरिटी के बाद यानी पूरे 15 साल बाद बाकी का बचा 40% प्लस बोनस सहित आपको मिल जाएगा। मतलब यदि आपका सम एश्योर्ड 5,00,000 रुपए है तो 20% के हिसाब से 1,00,000 रुपए आपको 6 साल बाद, और फिर से 1,00,000 रुपए आपको 9 साल बाद, और फिर से 12 साल बाद आपको 1,00,000 रुपए मिलेगा। इस तरह से पॉलिसी पीरियड के बीच में सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में आपको कुल 3,00,000 रुपए मिल चुके होंगे। फिर बाकी का 2,00,000 रुपए प्लस बोनस अमाउंट आपको 15 साल पूरे होने के बाद मिलेगा। इस पॉलिसी में बोनस रेट फिलहाल प्रति 1,000 रुपए पर 45 रुपए मिलता है। जैसे यदि 5,00,000 रुपए सम एश्योर्ड है तो इस बोनस रेट के हिसाब से हर साल 22,500 रुपए आपका बोनस बनेगा, और इस तरह से 15 साल बाद 3,37,500 रुपए बोनस आपको अलग से मिलेगा। दोस्तों, बोनस रेट जरूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसा रहे, यह कभी भी बदला भी जा सकता है। पर जब भी बोनस रेट बदला जाएगा तो मैं आपको अपने वीडियो में जरूर बताऊंगा। इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें। ऐसे ही यदि आप 20 साल वाला पॉलिसी टर्म चुनते हैं तो पॉलिसी के 8 साल बाद, 12 साल बाद और 16 साल बाद सम एश्योर्ड का 20% आपको मिलेगा। फिर पूरे 20 साल बाद सम एश्योर्ड का बाकी का 40% प्लस बोनस अमाउंट आपको मिलेगा। अब हम एक कैलकुलेशन करके भी देख लेते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से स्मार्ट पोस्टल कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड करके ओपन कर लीजिए। फिर यहाँ पर ओपन पोस्टल स्कीम पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आप RPLI की सारी स्कीम्स देखेंगे जिसके लिए आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस पॉलिसी के लिए हम यहाँ पर ग्राम सुमंगल पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप अपना नाम डाल देंगे। फिर यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं या डायरेक्ट अपनी उम्र लिख सकते हैं। मैं फिलहाल उम्र 30 लिख देता हूँ। फिर यहाँ सेलेक्ट टर्म पर आप अपना पॉलिसी टर्म चुन सकते हैं। मैं यहाँ पर 20 साल का पॉलिसी टर्म चुनूंगा। फिर यहाँ पर सम एश्योर्ड लिखना है जो कि मैं 5,00,000 रुपए लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ कैलकुलेट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट ईयर और फिर सेकेंड ईयर से कितना प्रीमियम भरना है वो देख सकते हैं। पहले साल GST 4.5% लगता है, इसलिए प्रीमियम पहले साल थोड़ा ज्यादा रहता है। फिर दूसरे साल से लेकर मैच्योरिटी होने तक आपको GST 2.25% देना होता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यदि आप मंथली यानी हर महीने प्रीमियम भरना चाहते हैं तो कितना भरना पड़ेगा, या फिर क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली प्रीमियम कितना भरना पड़ेगा वो आप देख सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि इनमें से आप कब कब अपना प्रीमियम भरना चाहते हैं। फिर यहाँ पर मैच्योरिटी बेनिफिट पर आप देखेंगे कि 8 साल बाद, 12 साल बाद और 16 साल बाद आपको 1,00,000 रुपए मिलेंगे। फिर मैच्योरिटी के बाद 5,00,000 का 40% सहित बोनस अमाउंट आपको जितना मिलेगा
वो आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर पूरे 20 सालों में आप टोटल कितना प्रीमियम भरेंगे वो देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप खुद भी कैलकुलेट कर पाएंगे। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु पॉलिसी टर्म के बीच में ही हो जाती है तो जितने का सम एश्योर्ड लिया गया है उतना तो मिलेगा ही, साथ में उस समय तक जितना भी बोनस हो चुका होगा वो भी साथ में मिलेगा। जैसे कि यदि सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का है तो नॉमिनी को 5 लाख रुपए पूरे मिलेंगे ही, साथ में उस समय तक जितना भी बोनस हो चुका होगा वो भी साथ में मिल जाएगा। इस पॉलिसी को आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में जाकर भी परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेस करने के लिए वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पॉलिसी के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो यदि आपको कोई डाउट हो या सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप वहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करके ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुँचाएँ। हैव अ नाइस डे।